नमस्कार दोस्तों, हम राजू चौरसिया। दोस्तों, तो हमारे चैनल में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, कैसे 5 दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कैसे दोस्तों, होली आप लोग के भी मना होगा और हमारा भी। दोस्तों, बहुत दोस्त लोग के साथ दोस्तों होली उसी बिल्डिंग में, हम उधर बगल में रहता हूँ, उधर मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया। और दोस्तों, 2-3 दिन हमारा छुट्टी हो गया और 4th दिन में दोस्तों आज वीडियो बनाया हूँ और आज काम करने आया हूँ। दोस्तों, बहुत मेहनत करने फिर से आ चुका हूँ और आप लोग के लिए इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाया हूँ कि हमारा आप लोग से छोटी सा उम्मीद है। अगर ये वीडियो आप लोग अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर देखते हैं तो जितना भी लंबा रहेगा तो दोस्तों आसान तरीका से आप लोग प्लास्टर कर लेंगे। समझिए, यही तरीका दोस्तों आप लोग के सीखना चाहिए। कैसे मेरे चैनल पर जुड़े हैं, हर एक मिस्त्री भी अगर देखेगा तो कहेगा हाँ राजू भैया क्या कमाल के वीडियो बनाते हैं और क्या तरीका बताया है, कितना सारे बात बताया हूँ। एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा। हमारा छोटी सा बिनती रहता है, ऐसे इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ और आप लोग देखते हैं तो दोस्तों हमको खुशी लगता है और मज़ा आता है। दोस्तों से आगे चल के हम आगे और अच्छे अच्छे दोस्तों मैं डिजाइन या जो कठिनाई काम है बाहर से अंदर से कौन प्लास्टर कैसे होता है वो बनाते रहेंगे। तो पहले वीडियो को देख कर जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना, इतना ना बताना कि हाँ वीडियो कैसा है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना चाहिए, आप लोग के लिए ऐसा ही देखने का मिलेगा वीडियो। चलिए मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कैसे बहुत मेहनत लगा है। आज मैं दोस्तों आप लोग के सिखा रहा हूँ दोस्तों यही लंबा दीवार, बहुत ज़्यादा लंबा है और कुछ इसमें अलग तरीका मैं बता रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। कैसे 4-5 दिन बाद है दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग के देखने का मिल रहा है। कैसे होली में दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्त लोग बिजी व्यवस्था कर दिया था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। इसलिए दोस्तों आज मैं काम में आया हूँ तो मैं सोचा पहले हमारा दोस्त लोग के लिए इसमें कुछ अलग तरीका बताने के लिए। बहुत लंबा है और सूता में नीचे से ही प्लास्टर हम कर रहे हैं, तो चलिए कैसे होता है थोड़ा देखते हैं और आप लोग भी अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे बहुत दोस्तों बवाल होगा ये प्लास्टर। और अभी हम पानी लगा रहे हैं, देख सकते हैं डब्बे से। और प्लास्टर करने से पहले पानी खूब दीवार पर लगाइएगा, इतना ना हवा चल रहा है अभी दोस्तों। और फिर से दोस्तों नया फ्लैट में हम कैसे बहुत जल्दी दोस्तों खींच देते हैं ना, काम खत्म हो जाता है, इसलिए फिर अब नया फ्लैट यहाँ पे आ चुके हैं और फिर इसी में दोस्तों 10 दिन में ये भी फाइनल हो जाएगा, 8-9 दिन में दोस्तों कर लेंगे। और देखिए कहीं कहीं ईटा सूख रहा है, कैसे आजे आजे फ्लैट में आया हूँ और आजे आजे दोस्तों इसको काम कर रहा हूँ ना, तो काफ़ी तो मैं पाइप से पानी लगाया हूँ पर फिर भी सूख रहा है। चलिए अगर सूखेगा वो भी तरीका बताएंगे, अगर गीला हो जाएगा वो भी तरीका बताएंगे। कैसे कहीं भी इतना आप लोग समझ जाइएगा से नया मिस्त्री अगर कहीं भी जाते हैं नया साइड पर, फर्स्ट दिन प्लास्टर करेगा तो ज़रूर दोस्तों थोड़ा दिक्कत होता है, या सूख जाएगा या ज़्यादा गीला हो जाएगा कुछ ना कुछ का कारण, या बालू सही नहीं आया होगा, ऐसे ऐसे होता है बहुत जगह। कैसे हमने तो बहुत जगह काम किया हो। तो चलिए इसमें पानी लग चुका है, अब हम इसको दोस्तों घोड़ा लगा रहा हूँ। भैया तो शरीर भी दोस्तों बहुत दर्द कर रहा है, कैसे बहुत डांस दोस्त के साथ हुआ है ना भैया, तो अभी आज भी हम लोग छुट्टी में रहने वाले थे पर मैं बोला से हमारा दोस्त लोग के लिए वीडियो नहीं बन पाएगा, इसलिए आया हूँ और काम भी खींचना है और वीडियो भी आप लोगों को बनाना है। और बहुत सारा कमेंट आप लोग करते हैं से कितना राहड़ी ओढ़ी मिलता है। चलिए काम भी खींचना है ना, पहले घोड़ा वाला मारते हैं। देखिए हमारा दीवार चमक रहा है ना, कहीं कहीं चमक रहा है। मैं पीछे से और आगे से जो मतलब दीवार ये करने वाले हैं इधर से और उधर से भी बहुत ज़्यादा पानी मारे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। पाइप से आप लोग के सीन नहीं दिखाया हूँ, कमेंट मत कर देना। अब चलिए घोला लगा रहे हैं बिल्कुल नीचे से ही हम, देखिए इस तरीके से पूरे ऊपर तक लगा देते हैं, ठीक है, ये देखिए।
हल्के हल्के दोस्तों इस तरीके से उठाकर और ऐसे फेंकिएगा, जब आपको दिमाग दोस्तों तर जाएगा ना तो ऑटोमेटिक दोस्तों नीचे आएगा। बोला देख सकते हैं एकदम आ रहा है ना बार है दीवार। ये सब पाइप में भी अच्छा तरीका से ऐसे बोला लगा देना और ऊपर तो ऊपर भी लग जाएगा इस तरीके से। देखिए भैया थोड़ा और गोला बना लेना। देखिए 10 फीट के हाइट दोस्तों गोला नीचे से ही लगा रहे थे ना, और जो हमारा गोला वोला गिर रहा है नीचे में वो सब दोस्तों मसाले में ही तेज बना देंगे। कैसे 4 के मसाला है और ये 2 बजे के दोस्तों वीडियो बन रहा है और सुबह से मसाला ही बना हुआ है ना, इसलिए थोड़ा मात्रा कम हो जाता है, इसलिए गोला थोड़ा गिरा उड़ा कर और इसी में हम सब अभी लगाएंगे। तो चलिए देखिए इसी तरह गोला हम लगा लेते हैं पूरे दीवार को। देखिएगा जरूर आप लोग फंटी अंत तक पूरा कंप्लीट करके बता रहा हूँ, कैसे बहुत आप लोग के इसमें नॉलेज सीखने का मिलेगा। हमारा वीडियो से शायद आप लोग अगर जो भी सीखते हैं कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे तो भाई कमेंट करते हैं और आप लोग भी जरूर बताना। अच्छा पानी बोला है, चलिए ठीक है चलिए लगा देते हैं पूरे दीवार के इसी तरह दोस्तों, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना। ये देखो पाइप में लगा रहा हूँ ना, इसमें भी लगा रहा हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा उठाकर बीम में भी लगा देता हूँ ना। लग गया बस, लग गया ये देखिए पूरे बीम में पजा रहा है ना, पूरे बीम पर जा रहा है, हल्का हल्का उठा कर पूरे बीम पर ऐसे पूरा सेलिंग में भी 2 इंची लगा देता हूँ ना। मसाला पकौड़ करता है और शायद वो नहीं लगाइएगा तो मसाला नहीं पकड़ करेगा, इधर से आ जाता हूँ ना, हवा आ रहा है ना तो उधर से मैं अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे गोला एकदम अच्छा तरीके से लग चुका है ना दीवार में, यहाँ पे थोड़ा बाकी है उसके पाइप में, पाइप में अच्छा तरीके से लगना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं प्लास्टर खेलते खेलते ही बहुत स्क्वायर फुट कर देता हूँ, अगर दिन भर अगर हम चाह देंगे तब ऐसा ऐसा लंबा दीवार मिल जाएगा तो बहुत कर देंगे, समझिए। देखिए क्या है दोस्तों मेहनत, जब इलिम सीख चुके हैं ना, और हाँ हम अच्छा करता हूँ इतना मस्त मस्त जाना दोस्तों, मैं खराब दोस्तों कमी भी नहीं है। ये नहीं थे पंजाब में चेकिंग चल रहा है तो यहाँ पे सही कर रहा हूँ, और दूसरा जगह जाएंगे तो जैसी मर्जी करेंगे, वैसा तो हमारा दोस्तों नहीं है। हम अपना काम खुद हमको पसंद होना चाहिए, ठीक है, अगर पसंद नहीं होगा तो फिर मैं छोड़ता नहीं, उसको जान लगा देता हूँ। चलिए लक्ष्मी भैया इधर आइए आइए आइए, करनी उठा कर अच्छा भी जब तक मैं मसाला करूँ। इधर देखिए ये मसाला तरीका से बोला है, सूखा हुआ मसाला हल्का देखिए सूखा हुआ है ना, तो गोला में ऐसे डाल दो, तेज मसाला बना दो तेज, हाँ इस तरीके से ऐसे डाल दो और एक साइड से छापो। चलिए उधर से आप जाइए छापिए उधर से, मैं जित पहले बात समझिए इधर हंसने का नहीं है, मैं जितना छापेंगे आधे आधे छापना है तभी आप सीख पाइएगा जल्दी में, ठीक है। ये आपका कवर करनी हो गया ना, हाँ सब छापिए। यहाँ पे देखिए एक बात और इधर आइए, कैमरे वाले की इधर आइए, जैसे देखिए प्लास्टर करने के एक नियम होता है, आप लोग आप भी भैया समझिए। यहाँ पे जैसे सूखा हुआ रुकिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये गुजराती स्टाइल दोस्तों हो गया, गुजरात में इस तरीके का मसाले से होता है, जैसे जय हो विश्वकर्मा भगवान, हमारे जो भी ऑडियंस देख रहा है उनको मेरा जैसा मिस्त्री बनाना है, ठीक है। जैसे सूखा पड़ा है ना ईटा, तो इसको ऐसे मसाला दोस्तों लरम लरम चाहिए,
से उसको सूखने में समय लगेगा, जब तक हम आधा घंटा में इसके फिनिशिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से अगर दीवार सूखा होगा वहाँ पे कहीं कहीं ईंटा वहाँ पे इस तरीके से पतला पतला मसाला दोस्तों बाद में। हाँ चलिए भैया स्टार्टिंग कीजिए आप, छापने में हमारा भैया सही है, छापते हैं। चलिए अब हम इधर से गिरते हैं, आप लोग दिखेगा किधर से, इधर से चलिए कैमरा वाला इधर जाइए। तो दोस्तों अब देखिए अब हम कैसे छापते हैं। यहाँ से दोस्तों मैं शुरू किया, यहाँ से 9 इंच स्कॉटिंग कर जाएगा, टाइल लगता है ना नीचे में। देखिए पूरे दोस्तों ऐसे भर भर कर उठा कर और इस तरीका से छापते हैं। देखिए बिल्कुल एक बराबर तेजी में स्पीड में दोस्तों ऐसे छापने में टाइम मत लगाना, बोले फंडी में आप लोग के हम वो भी मैं फंडी से दोस्तों 2 ही मिनट में मार दूंगा इसमें दीवार में। और दोस्तों मैं आप लोग को सिखाऊंगा ज़्यादा, जब देख रहे हैं ना इस तरीका से ऐसे मसाला उठाइए। ऐसे काम होता है, मसाला हमारा एकदम भर भर है ना, मजा आता है दोस्तों कमाने में, मेहनत करने में। देखिए अभी अभी भैया छापे कि नहीं, अभी छाप ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम नीचे से दोस्तों बीम के पास कर ले हम छाप देंगे, बस इतना में पहुँचेगा ना इतना दोस्तों। घोड़ी चली लगा कर और फिनिशिंग कर देंगे, देखते रहना सब दिखाएंगे ना। देखिए भैया एकदम पतले मसाला एक बराबर छापना सीखिए, ज्यादा मोट भी नहीं, कैसे दीवार खड़ी है ना फेस वाला फिनाई है इधर से, फिर उधर से करेंगे उसमें मोटा छापना कैसे गैप होगा। देखिए दोस्तों हम लोग दोनों भाई के मिलकर दोस्तों दीवार के छाप दिए, बस फिल्म और थोड़ा सा दो ईंटा रह गया ऊपर ऊपर। अब इसी को दोस्तों अगर फंडी में अगर सूता में मैं जैसा बना रहा हूँ, अगर आप लोग चलाना सीख जाते हैं तो बहुत दोस्तों जल्दी आप लोग प्लास्टर और जितना 108 फुट आप लोग सूता में बना सकते हैं। तो चलिए कैसे हम करते हैं, उससे पहले एक काम हमारा से छूट गया है, इस तरीके से ऐसे हम छिपिया देंगे। भैया छिपिया रहे हैं, हाँ छिपिया एक तरीका ऐसे भी है, कहाँ से आप लोग इस तरीके से ऐसे कर ऐसे छिपिया, और एक तरीका ऐसे है ऐसे कर रहिए। हम लोग की छपाई बिल्कुल बराबर होता है समझिए, उतना जैसे इस तरीके से ऐसे हल्का हल्का ऐसे कर देंगे पूरा फिनिशिंग आ जाए, ताकि ये है थोड़ा ऊंचा ऊंचा होगा और कहीं गाढ़ा होगा तो वहाँ पे थोड़ा इस तरीके से ऐसे चलिए। फंडी इसमें दोस्तों अगर देखिए लंबा दीवार है, दो ठेला लेकर बनाइएगा एक बराबर करके, तो दोस्तों एक साइड मोटा या पतला चल जाएगा। मिस्त्री भाई देखने उनको उनको पता होगा, देखिए दो फंडी लाए कौन चलाए चलो यही देखते हैं। नहीं आप लोग के दीवार प्लास्टर कर रहे हैं, बीम बना रहे हैं कहीं भी, तो कोशिश करना पतला मसाला और एक बराबर समझिए, हमारा बीच फूट के दीवार है ना, तो यहाँ पे भी जितना मोटा होगा वहाँ पे भी उतने मोटा होगा, इसलिए हम लोग बराबर छापते हैं। अगर बराबर छापा हुआ है तो बराबर जाएगा, अगर वही एक बराबर नहीं छापा हुआ रहेगा वो भी हम बीच से उठाएंगे ना। देखिए यहाँ इस तरीके से ऐसे पहले दोस्तों इसको हम सूता में बनाएंगे, ठीक है। देखिए कितने आसान है फंडी चलाना, देखिए ध्यान से देख रहा है,
कितना हमारा फंडिंग इधर आ गया मिल गया ना, और इधर से हम इधर जाएंगे। कटो कटो मसाला ऐसे ऊपर नीचा, ऊपर नीचा ऐसे एक साइड से ऐसे डाब पर, ठीक है। बस ये हमारा फंडी में, मेरा बात समझिएगा ध्यान से, मैं बोलता हूँ आप ही लोग के लिए ध्यान। जैसे देखिए ये हमारा सीधा हो गया है पूरे, थोड़ा सा भी दोस्तों बैंड नहीं है इतना मसाला में। अब इसको अब हम देखेंगे यहाँ पे के में हलाया, ठीक है। रेकॉर्डिंग पर देखिए आलम जी हला हुआ है और इसको नहीं देखेंगे, ये भी ठीक है। छापो दोस्तों सेम मसाला बराबर है, आधा आधा इंची में, इसलिए हमने छापे थे एक बराबर, और दीवार भी फेस वाला है, हमारा सूता में बन चुका है। तो समझिए 20 फुट का है तो सूता में मैंने बना चुका, और 40 फुट के रहता, 50 फुट के रहता, 100 फुट के रहता, इसी तरह अगर दीवार सीधा रहेगा तो आप लोग बीच मार्जिन से ऐसे हिसाब से दोस्तों जहाँ तक होगा देख लेंगे पूरे फंडी में और सूता में हो जाएगा। तो इसमें अब साहुल में आप लोग जितना ठेला लेकर साहुल में जितने एक बराबर, चलिए हम ले ही कर बता रहा हूँ ना, तो चलिए इसमें हम कितने ठेला लेंगे 20 फुट का है समझे, पूरे सूता में जाने के लिए 1 2 3 4 लेंगे तो एकदम कंफर्म होगा, और 4 नहीं लेके हम 3 बना रहा हूँ, 4 ले लेते हैं ठेला। देखिए यहाँ पे एक ले लेते हैं, पुणे में हमारा साहुल में हो जाएगा ना ये पूरे, इधर से आ जाइए, पैसे काटते हैं ना फंडी से, ये जो हम दोस्तों भाग बनाए हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ये हम ऊपर देख रहा हूँ ना, और ये नीचे से ऐसे इस तरीके से क्या है, देखिए कितने आसान है, हल्के पहले काटना है, और पहले इसको पूरे ढंग से ऐसे देखिए कितनी आसान है चलाना। और भैया देखिए इधर आ चुके हैं दोस्तों बिजली वाले भैया, इसमें नीचे से लेकर बिजली करते आ रहे हैं ना, चलिए दोस्तों हम घंटी लगाएंगे ये, अगर घंटी में और पूरा घंटी में होगा देखिए कितना दोस्तों जीरो जीरो हमारा घंटी में हो जा रहा है, कितना आसान है। अब इसको पूरे हम पाटा में चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर लगा देंगे, और यहाँ से ऐसे आ रहा है इस तरीके से जितना कट रहा है इसको हम काट दिया, देखिए ये हो गया हमारा खेला, ये हमारा खेला दोस्तों एकदम साहुल में और पूरे पाटा में हो गया। जैसे एक बार ऐसे भी आप लोग देखिए यहाँ पे हम पंडी रखा हूँ, देखिए पंडी हमारा साउल में हो गया। अब इसी से दोस्तों नाप के यहाँ से दोस्तों मैं नाप के एक यहाँ पे बना लूँगा, देखिए इस तरीके से ऐसे, फिर दोस्तों ये नहीं करना चाहिए ठेला नहीं करना चाहिए, ठीक है। असली तरीका ये है दोस्तों प्लास्टर करने का, बोला और यहाँ से मैजिक से हम काट दूंगा, ठीक है। और जितना हमारा वो साहुल में किए हैं ये नहीं दोस्तों वहाँ जीरो जीरो कर दिए, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा फेंक रख दिए 5 mm 10 mm, तो वही दोस्तों हल्का शुद्ध बराबर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर इतना ध्यान देना, तो ये भी दोस्तों जितना वो है उतना ये भी बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये भी हम भर्ती कर रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं ये भी ठीक है दोस्तों, पर इसको पाटा में ऊपर मसाला है ठीक है, यहाँ से हल्का सा शुद्ध बराबर ऐसे हम काट देंगे, यहाँ पे बहुत चेकिंग है ना, बस ये थोड़ा सा ही मसाला हम ठेला पे के काटे तो दोस्तों पूरे दीवार पर समझो कट रहा है ना, समझिए ठेला कम से कम सही होना चाहिए। देखिए हमारा हो गया एकदम दोस्तों घंटी में हो गया ना, ये ठेला घंटी में हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये दोनों एकदम जब घंटी में हो जाएगा तो आप लोग नए आदमी तो यहाँ पे घंटी डर कर एक चीज में लगा देना, अगर दोस्तों अगर थोड़ा सीख चुके हैं हमारा दूसरा वीडियो में देखा है, देखिए कितना बैठ गया है ना,
अब इधर से इस तरीके से इसको हम काट देंगे। कितने आसान है देखिए, इस छेड़ा नहीं कटेगा और ऐसे काट देंगे और इस तरीके से। ये भी दोस्तों ये चलाना सीखना पड़ता है, समझिए आप लोग डायरेक्ट खींचेंगे तो मसाला झड़ जाएगा। देखिए इसको हम काट रहे हैं, मसाला को ऐसे काट रहे हैं। देखिए मेरे जैसा कौन किया गया, देखिए इधर और छेड़ा ये देख रहा हूँ मैं और इसको ऐसे काट रहा हूँ। देखिए कितने आसान है, और यहाँ से इस तरीके से नीचे में हम आ गया ना, ये काट देंगे और ये छेड़ा से दोस्तों ये वाला काट देंगे। देखिए पूरे फ्री में आएगा ना, और यहाँ से ऐसे देखिए एक काट रहा हूँ ना, ऐसे यहाँ से काट के पूरा ये बैठा हुआ है वहाँ से रख के ऐसे काट देता हूँ और ऐसे काट देंगे। देखिए ये मिल गया हमारे मिल गया, तो इस तरीके से इधर भी ऐसे बहुत सारे मसाला हो गया ना। देखिए ये हो गया, अब ये ऊपर वाला कैसे करना है। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे चौंक रहे हैं तो दोनों छेड़ा में मिला कर दोस्तों ऐसे भी काट सकते हैं, और तो दोस्तों हम तो ऐसे भी काट देंगे ना हमारा एकदम ये हमारा ऐसे। दोस्तों अगर कर लेते हैं यहाँ पे ये हमारा छेड़ा है ए, और एक ये नीचे वाला है, दोनों अगर इस तरीके से ऐसे एक और सीधा होना चाहिए कैसे दोस्तों गुनिया में होगा, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे ये वाला मिलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जैसे एक गुनिया में इस तरीके से मिल गया तो आगे काटते हैं ना, नाप लेंगे दोस्तों। आवाज मेरा कम सुनाता होगा कैसे ऊपर वाला काम चल रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे भी ये कम पे अपना ऊपर की मसाला देख लेना, घंटी में हो जाएगा तो इसको सीधा भी अब इस ठेला में, जैसे कि हमारा पहले वाला है ना और नया ठेला में। बस चार ठेला ले गंजी में आप लोग करना एकदम मस्त है।
पतला प्लास्टर करने से देखिए कितना फिनिशिंग आ गया हमारा दीवार। कहीं भी दोस्तों लगाइएगा, कहीं भी कितना बड़ा फंडे इस कोने से उस कोने लगाइएगा। चलिए अब थोड़ा दाना उठा उसको गिर देते हैं, बता देना इसी तरह फंडी मारना, ठीक है। मसाला पहुंच गया था ना, मतलब मसाला लगा था, उधर भी देखिए उधर भी काम चल रहा है ना। तो चलिए अब इसको पूरे से रूसा कर दिए हैं, और ये देखिए मैंने इतना फास्ट किया हूँ इस तरीका से, ऐसे तो ये मसाला ऐसे ठीक है, और कम समय में दोस्तों ऐसे भूसा मारा हूँ इस तरीके से, ऐसे देखिए कितने आसान है। बड़ा बड़ा क्यों प्लास्टर हुआ है, पहले ऊपर में गोली चली लगा कर मार दी है ना छाप के, और दीवार खतरा लग रहा है दोस्तों, ऐसा प्लास्टर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से क्या कर दोस्तों, ऐसे एक साइड से ऐसे इसको उठा के और मिला रहे हैं, ठीक है। तो रूसा मारना आसान होता है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा तरीके से सिखाते नहीं हैं। ऐसे देखिए रूसा तो आदमी के दो दिन में अगर तेज बंदे है तो दोस्तों सीख लेगा, इतना तो मैं कम बंद। देखिए क्या है, ऐसे फंडी मारा हुआ है, हाँ, पर मेरे जैसा प्लास्टर फंडी मारा हुआ रहेगा ना, और ज़्यादा गाढ़ा गुड़ा रहेगा तो समझिए उसमें तो खराबी आ जाएगा, नए बदले से। तो चलिए ये वीडियो बन चुका है दोस्तों, ऊपर जो मशीन आप लोग ने नहीं देखा पाया, कैसे मैं बहुत मेहनत करके काम भी खींचता हूँ ना, इसलिए अब दीवार से कंप्लीट हो गया। देखिए तो पूरे मार दिए है, ऊपर भी पूरा फिनिशिंग है, बस इतना रह गया है मार के, छुट्टी होने वाला है। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग किया हूँ, फिनिशिंग तो दोस्तों मैं बहुत करता हूँ, मैं पूरा जान लगा देता हूँ, फिर भी ये हमारा टेका हुआ काम है। कोई भी दोस्तों रोजाना में जैसे मर्जी करके भाग जाते हैं, पर हमको दोस्तों पसंद नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं दोस्तों मैं पूरा, हमको आधा घंटा 10 मिनट समय लगेगा, और मैं अच्छा करता हूँ यार। और आप लोग से भी मैं बोलूँगी, अगर मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो यार जो भी चीज़ हो जाए आप लोग अच्छे करना। तो चलिए अब हम वीडियो के एंड करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन पर जरूर दबाना, कैसे इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा।